नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है। यूपी लेखपाल 2015 का सॉल्ट पेपर आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। देखिए, अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है लेखपाल का, लेकिन पेपर वगैरह में निकल रहा है कि लेखपाल की 5200 वैकेंसी आने वाली है। पहले 10,000 थी, फिर 6,000 हुई, फिर 5200 हुई। देखते हैं क्या होता है, वो तो हमें नहीं पता है। और यूपी ट्रिपल एससी का अभी हाल ही में चेंज भी हुआ है पैटर्न, जिसमें कि मैंने एक वीडियो पहले से ही बनाया है और आपको बताया भी है कि पहले एक KYC होगा, फिर PET होगा। वो क्या क्या चीजें हैं वो सब मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं लेखपाल जो परीक्षा हुई थी 2015 की, उसका सॉल्ट पेपर शुरू करते हैं। लेखपाल की एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी और पूरी तैयारी कराई जाएगी यूपी लेखपाल के लिए। तो उसी कड़ी में पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, ताकि उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को आगे ले जा सकें। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली परीक्षाओं में। इससे फायदा ये होगा कि हम अपनी आगे की पढ़ाई उसी दिशा में करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। आज पहला ये जो वीडियो होगा ये होगा हिंदी के लिए, उसके बाद हम मैथ, रीजनिंग जो भी है सारा पेपर आपको डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है, हिंदी का सेक्शन है। मैंने बताया आपसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, ऑप्शन बी है अपने से बड़ों पर क्रोध करना, ऑप्शन सी है कायरता पूर्वक व्यवहार करना, और ऑप्शन डी है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का हम प्रयोग कब करते हैं, अपनी झुंझलाहट को छिपाने के लिए करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ में जब झुंझलाता है कोई तो उस समय कहते हैं हम खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या मतलब है। चार ऑप्शन इसमें भी है। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, ये तो होगा नहीं। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, और ऑप्शन डी है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ये मुहावरे से कुछ प्रश्न थे। देखिए, ये हमें बता दूं एक बार आपको फिर से कि लेखपाल की परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी लेखपाल की, जिसमें लाइन से हम वीडियोस देते जाएंगे। पहला आज जो कोर्स है इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पिछले साल के हिंदी के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जो सामान्य हिंदी का प्रश्न आता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के बारे में, और उसके बाद रीजनिंग के बारे में, और फिर जीके जीएस से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है, जीके यूपी स्पेशल भी उसमें आ जाएगा और करंट अफेयर भी आ जाएगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि विलोम शब्द चुनना है, क्रिस का विलोम क्या होगा। देखिए, क्रिस का मतलब होता है जो शरीर से क्या हो, बिल्कुल पतला हो, दुबला हो, जिसके पास एनर्जी नहीं हो, उसको हम क्रिस कहते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, विलोम पूछा है। तो ऑप्शन है विटप, केस, हृष्टपुष्ट या भव। तो देखिए, हृष्टपुष्ट जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि शरीर से तगड़ा हो कोई व्यक्ति, और क्रिस का मतलब होता है जो पतला हो। तो इसका आंसर सीधे सीधे ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर पूछा है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब होता है जो कम जानता हो। अब यहाँ पे पूछा है कि इसका विलोम आपको बताना है, अल्पज्ञ का विलोम। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो। अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ और कृतज्ञ, चार ऑप्शन है आपके पास। सर्वज्ञ का मतलब है जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ का मतलब है जो सब कुछ जानता हो। तो अल्पज्ञ का विलोम सीधा सीधा सर्वज्ञ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, खूंटी शब्द का बहुवचन आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है खूंटिया, देखिए यहाँ पे ये खूंटिया है, ये खूंटियां है, और ये खूंटियों है, और ये खूंटियों है। यहाँ पे देखिए पहला शब्द तो गलत लिखा ही हुआ है, क्योंकि खूंटी है तो उसमें यहाँ लगता है खूंटियां, अगर होता तो ये सही होता, यानी कि ऑप्शन बी सी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, खूंटियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है, अज अजन्मा, इसका दूसरा अर्थ आपको बताना है। देखिए, अज अजन्मा किसको कहते हैं, आजन्म को कहेंगे, निर्भीक को कहेंगे, आजीवन को कहेंगे, या फिर ईश्वर को कहेंगे। तो देखिए, ईश्वर के लिए हम कहते हैं अज अजन्मा शब्द का प्रयोग हम करते हैं, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। तो इसका हो जाएगा आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वह यहाँ पे आपको वैसे जैसे इंग्लिश में हम करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक देखना होता है, वैसे यहाँ पे हम हिंदी में देखते हैं मात्राओं में क्या गलतियां हैं उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो प्रतिनिधि है, फिर ऑप्शन बी है प्रतिनिधि, और ऑप्शन सी है प्रतिनिधि, और ऑप्शन डी है प्रतिनिधि। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसमें सीधे सीधे ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, प्रतिनिधि।
निर्देश देखिए अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसमें एबीसी गोला भरना है। मतलब देखिए आपको बताना है कि वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है ये बताना है। विद्यालय में इसमें तो कोई त्रुटि है नहीं। फिर है जलपान को यहां पे आपको त्रुटि देखने को मिलेगी। जलपान को नहीं, जलपान का होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना यात्रा करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो अच्छा होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो है ऑप्शन सी अच्छी लगती है, ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम तद्भव आपको पता है, तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में एज इट इज प्रयोग किए जाएं। संस्कृत के शब्द होंगे तत्सम। तत्सम मैं एक बार आपको बता देता हूं तत्सम तद्भव क्या होता है। तत्सम का मतलब होता है ये संस्कृत के शब्द होंगे और हिंदी में भी इनका ज्यों का त्यों प्रयोग होगा। संस्कृत के शब्दों का हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग तत्सम होता है। और तद्भव का मतलब क्या होता है मैं ये भी आपको बताता हूं। तद्भव का मतलब होता है जिसकी भाव वही हो, यानी कि संस्कृत का शब्द है अगर उसका भाव वही रहे और उसको हम हिंदी में बदल दें तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम कह देंगे कि वो तद्भव शब्द है। अब यहां पे देखिए आज अग्र आंख और आग, इसमें से पूछा है प्रश्न में आपसे कि पूछा है कौन सा शब्द तत्सम है, यही पूछा है ना कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप ये बताइए। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, आज संस्कृत का शब्द नहीं है। आंख को भी अक्षु कहते हैं, आग भी नहीं है, अग्नि हो जाएगा। अग्र जो है इसका मतलब होता है आगे, अग्रभाग यानी आगे का भाग, तो अग्र जो है ये तत्सम शब्द में आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, इसको द्रोण कहेंगे। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं, मैं चार आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, द्रोण, घाटी, बेसिन या उत्पयका। 11वां प्रश्न है आपका, इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। पर्वत की तलहटी को द्रोण कहेंगे, घाटी कहेंगे, बेसिन कहेंगे या फिर उपत्यका कहेंगे, ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी उपत्यका। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहेंगे, कंजूसी से जो धन व्यय करे वो कंजूस होता है, तो कृपण कहेंगे इसको, कृपण कंजूस को कहेंगे। कंजूस को क्या कहते हैं मैं बताता हूं, देखिए यहां पे कंजूस को हम कहते हैं कृपण। कंजूस के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है कृपण शब्द, जबकि यहां पे क्या है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से जो धन व्यय करेगा वो कम पैसा खर्चा करेगा, कम धन व्यय करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कृपण। आगे बढ़ते हैं। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, यहाँ पे शत्रु हो जाएगा, ये तो आसान है शत्रु। अगला प्रश्न है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, तो उद्यत रहना चाहिए, सबको उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची कमल होता है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। निर्धन में कौन सी संधि है, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, निर्धन में कौन सी संधि है आपको बतानी है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। कहां गया देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, अयादि संधि है इसमें ऑप्शन में आपके, अयादि संधि के बाद यण संधि है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, यहां पे हो जाएगा विसर्ग संधि। निर्धन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए नि प्लस धन, जहां पर विसर्ग किसी भी स्वर के साथ मिलकर कोई संधि करता है तो उसको हम कहते हैं विसर्ग संधि, तो यहां पे विसर्ग संधि होगा। देशांतर में कौन सा समास है आपको बताना है, प्रश्न संख्या 17, देशांतर में कौन सा समास है, इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है। देखिए अलंकार पर एक हम लोग अलग से वीडियो भी बनाने वाले हैं जिसमें आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। इसका आंसर देखिए अनुप्रास तो हो नहीं सकता है क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो नहीं रही है, श्लेष भी उसी तरह से नहीं होगा क्योंकि किसी एक शब्द का अनेक अर्थ हो तो श्लेष हो जाएगा। उपमा मतलब उपमेय में उपमान की हम समानता दिखा रहे हैं, उपमेय में उपमान की समानता जब दिखाते हैं, तुलना करते हैं तो उपमा होता है, जबकि रूपक में ठीक इसका यही, रूपक और उपमेय में थोड़ा सा अंतर है, रूपक और उपमा में इसमें हम आरोप दिखाते हैं, आरोप का मतलब हुआ कि उपमेय का उपमान में आरोप दिखाना, उपमेय का उपमान के साथ आरोप दिखाना, रूपकता दिखानी, तो इसमें हम रूपक दिखा रहे हैं। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, तो आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार।
प्रश्न संख्या 19 है, कौन सा शब्द तद्भव है। मैंने फिर बताया तद्भव का मतलब होता है कि उसी शब्द का भाव बस बदल दिया जाए और शब्द जो है संस्कृत से संस्कृत का शब्द ना रह के बल्कि हिंदी भाषा का शब्द हो जाए। तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा अमी। अमी जो है वो तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है 20 और 21 में निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सुर हैं। देखिएगा, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सुर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सुर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं, ये सही आंसर होगा आपका। कारण है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं, ये तो सही, और ब्रजभाषा के सुर हैं, इसका अर्थ नहीं निकलता है। जबकि यदि हम कहते हैं कि तुलसी और सुर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं तो इसमें भी एक त्रुटि है। ये नहीं क्लियर हो रहा है कि तुलसी अवधि के हैं या फिर सुर अवधि के हैं, जबकि नीचे जो ऑप्शन डी है उसमें कहा है तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, यानी कि क्रम से, यानी तुलसी अवधि भाषा के कवि हैं और सुर जो है वो ब्रजभाषा के कवि हैं। तो ऑप्शन डी, इस लिहाज से अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, और अगला है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। आंसर हो जाएगा डी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं, करुण रस का स्थाई भाव क्या है। रस पर एक वीडियो हमारा लेक्चर आएगा, हिंदी के सारे वीडियोस हम फिर से कराएंगे, छोटे बोर्ड पे पहले वीडियोस बने हैं, मैं सारा फिर से कराऊंगा आपको हिंदी। करुण रस का स्थाई भाव शोक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। आपको बताना है मैं खाना खा चुका था मैं भूतकाल का कौन सा भेद है। भूतकाल के कई भेद होते हैं, जैसे आसन्न भूत का मतलब हुआ जो जस्ट समाप्त हुआ हो, सामान्य भूत मतलब अभी समाप्त हुआ हो, आसन्न भूत मतलब समाप्त होने में कुछ ही समय बीता हो, संदिग्ध भूत यानी कि अब आपको पता नहीं है कि वो भूतकाल में कार्य हुआ भी था या नहीं हुआ था, वो कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में आपके पास संदेह होगा। जबकि पूर्ण भूत का मतलब हुआ कि आपको कोई संदेह नहीं है, वो कार्य पूरा हो चुका है। मैं खाना खा चुका था, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है, खा चुका था मतलब निश्चित ही खा चुका था, यानी कि पूर्ण भूतकाल का यहाँ पे भेद होगा। प्रश्न संख्या 24 है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। कारक पर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन मैं फिर से कारक पर वीडियो बनाने वाला हूं। आपके ऑप्शंस हैं संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन ए, ये हो जाएगा इसका आंसर। राजा सेवक को जहां आता है वहां संप्रदान कारक आ रहा है और कंबल देता है, इसकी विभक्ति का चिन्ह है ये। 25वां शब्द है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, यानी कि बताना है कि पुलिंग का स्त्रीलिंग क्या होगा ठठेरा शब्द का। ठठेरिन, ठठोरिनी, ठठेरी और ठठारी, ये ऑप्शन है। तो इसका आंसर होता है ठठेरिन, ऑप्शन ए जो है ये होता है ठठेरा का स्त्रीलिंग, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हिंदी के सेक्शन का आज लेखपाल के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके पेपर को। अगले वीडियो में हम इसके बारे में मैथ्स और रीजनिंग का जो भी सेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को PDF के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।